हम बात करेंगे IRFC की, आखिर मैंने अब इस शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों की है। पहले हम जान लेते हैं IRFC का काम क्या है। IRFC का काम है इंडियन रेलवे सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए और उसके एक्सपेंशन के लिए फंड रेज करना। तो अब इंडियन रेलवे सेक्टर के डेवलपमेंट में और उसके एक्सपेंशन में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उन सभी के लिए ये फंड रेज करने का काम करता है। आगे चलकर मैं इसके नाम भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये जानना है कि देखो, जब हम किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है उसके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो उसके फ्यूचर प्लान्स हैं। एकमात्र यही कारण होता है जो हमें उस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करने को अट्रैक्ट करता है। सबसे पहला कारण तो यही है कि सरकार पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवे सेक्टर के डेवलपमेंट पर और उसके एक्सपेंशन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो अब सवाल ये है कि सरकार सिर्फ हल्ला बोल कर रही है या सच में काम कर रही है। देखो, सरकार तो आएंगी जाएंगी, ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या स्कोप है इस शेयर में, क्योंकि ये शेयर अभी 47 से 50 रुपए के बीच में झूल रहा है। तो अब जान लेते हैं कि क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सरकार आखिर क्या क्या काम कर रही है जिसकी वजह से इस स्टॉक को हम 5 गुना या 10 गुना मल्टीप्लाई होते हुए देख सकते हैं। पीएम मोदी जी के अकॉर्डिंग सन 2024 तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान है, जिसमें से कि 18 से 25 ट्रेनें जुलाई 2023 तक सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी हैं। देखो, जब ये न्यूज आई थी तभी पहले ही अंदाजा था कि ये नंबर आगे चलकर बढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये निकल कर आ रही है कि इंडिया में 1200 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बनाए जाएंगे, जिसका हाल ही में अभी इनॉग्रेशन भी होकर चुका है। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि नंबर ऑफ ट्रेन भी इंक्रीज हो रही हैं, नंबर ऑफ स्टेशन इंक्रीज हो रहे हैं और साथ ही में नंबर ऑफ पटरीज पे भी सरकार काम कर रही है और इसके साथ साथ कार्गो पर भी फोकस किया जा रहा है। तो अब हमें ये दिख रहा है कि पिछले कुछ 4 या 5 सालों में जो रेलवे में ग्रोथ हुई है वो आने वाले समय में बढ़नी तय है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जो 4 पटरियां होती है ना, वो सिटी खत्म होने के बाद 2 पटरियों में कन्वर्ट हो जाती है। अब इंडियन रेलवे इस चीज पर भी काम कर रही है कि तीसरी पटरी लाई जाए और साथ में कार्गो की एक स्पेशल लाइन भी चलाई जाए। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो पॉलिसी के तहत इंडियन रेलवे को काफी सारे एडिशनल टर्मिनल्स की जरूरत है, जिसके चलते वो 100 टर्मिनल्स 2025 तक लाने का प्लान कर रहा है। इसके लिए जो भी पैसा है वो IRFC से लिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन चलाने का जब रणनीति गवर्नमेंट ने बनाई थी तो इसको सक्सेसफुली प्लान किया गया, अब ये सक्सेसफुली चल भी रही है। तो इसके बाद अब इंडियन रेलवे का प्लान है 8000 कोच बनाने का। तो इसके साथ में एक न्यूज के अकॉर्डिंग अब ये स्लीपर कोच पर भी काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है अब इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी और IRFC को एक फंड रेज करने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी एक ट्रेन की कॉस्ट जो है 108 से 130 करोड़ रुपए है, जिसमें GST भी इंक्लूड नहीं है, जिसमें से कि सिर्फ जो लोकोमोटिव कोच है ना उसकी कॉस्ट 12 से 14 करोड़ तक की है। 16 कोच की ये ट्रेन है, रूट के हिसाब से ये 8 कोच की भी है कहीं कहीं। ये जो प्लान है गवर्नमेंट का वो 3 साल का है, 3 साल में इनको ये प्लान पूरा कंप्लीट करना है। तो जुलाई 2023 की एक न्यूज के मुताबिक रशियन रोलिंग स्टॉक TMH ने भारत के RVNL के साथ में पार्टनरशिप में हाल ही में स्लीपर वर्जन सहित 120 वंदे भारत ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जबकि भेल को उसी वर्जन की 80 ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें RVNL को जितना भी फंड की जरूरत पड़ेगी इस काम के लिए वो सारा IRFC से ही दिया जाएगा। अब वंदे भारत ट्रेन के सक्सेस के बाद एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि 2023 दिसंबर तक स्मॉल सिटीज़ के लिए वंदे भारत मेट्रो भी चलाई जाएगी, वो भी लॉन्च होगी। तो 150 से 160 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए ये मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। देखो, ये सारी न्यूज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसी न्यूज़ के आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर, इसके फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए, इसके स्कोप को देखते हुए मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट IRFC के शेयर में की है। तो अब यहाँ पर एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि जो रेलवे है वो टोटल 1300 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप और मॉडर्नाइज करना चाहता है। अब इसमें से जो सिर्फ ग्वालियर स्टेशन है ना उसके लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, और जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेल की जो नैरो गेज लाइन होती है उसको ब्रॉड गेज में चेंज करने का काम तेजी से चल रहा है।
रेलवे का जो डबलिंग प्रोजेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में गुंटूर बीबी नगर को जोड़ने वाली रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। साथ ही में इसके थ्रू चेन्नई से हैदराबाद, चेन्नई और हैदराबाद और चेन्नई से कोलकाता तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल टाइम है उसको रिड्यूस किया जाएगा। ये दोनों चीजें मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं का हिस्सा है जिसका बजट 325 बिलियन है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो इंडियन रेलवे के बारे में, अगर मैं उनको बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ IRFC को आने वाले वक्त में फ़ायदा मिलने ही वाला है इस चीज़ का। साइड में कंपनी की कुछ फिगर्स हैं जो मैं आपको शो कर देती हूँ, जिसके बेसिस पर मैं ये कह सकती हूँ कि कंपनी काफ़ी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देख लेते हैं, देखिए क्रेडिट रेटिंग है लास्ट 3 ईयर्स की AAA। बाकी कौन कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है रेलवेज की, जिनको ये फंड रेस करता है, उनके नाम मैंने यहाँ दे दिए हैं। नेट प्रॉफिट दे दिया है 3 साल का, क्या क्या नेट प्रॉफिट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, साथ ही में PE रेशो जो है 9.96 है, ये हाल ही में बढ़ा है, इससे पहले 4 या 5 PE रेशो था इसका। प्रमोटर्स की होल्डिंग 86.36% है, 10.48% इसमें रिटेलर्स हैं और अदर्स लोग हैं 1.25%। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं की है जो कि है डेट कंपनी का। कंपनी का काम है फंड रेज करने का, तो यहाँ डेट इतनी मैटर नहीं करती है कंपनी की, तो मैंने उसको कंसिडर यहाँ पर नहीं किया है। मैं आपको एक बात यहां पर यह बताना चाहूंगी कि जब भी हम किसी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमें यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमने उस शेयर को किस लेवल पर खरीद कर रखा हुआ है। देखो, एक चीज और होती है कि असली रिसर्च कौन सी है। असली रिसर्च तो वही है कि जब कोई मार्केट में स्टॉक बहुत कम रेट पर ट्रेड कर रहा हो और हम उसके स्टॉक के फ्यूचर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके उसको सही रेट पर खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है। अब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद दो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दो फैक्टर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ। नंबर वन ये है कि लोअर रिस्क, क्योंकि लोअर रिस्क इसलिए क्योंकि एक गवर्नमेंट एंटिटी है, तो यहाँ पे थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है। दूसरा फैक्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट देखने के लिए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए ही, गवर्नमेंट के रेलवे के प्रोजेक्ट्स को ही करने के लिए ये फंड रेज करती है ये कंपनी। तो देखो, कभी भी कोई भी जब मेरे पास आता है ना इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए, तो मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलती हूँ कि आप किसी भी शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी को एक साथ बाय करके रख लो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका विज़न 3 या 5 साल के लिए और 8 साल के लिए किसी भी कंपनी में, तो देखो लॉन्ग टर्म विज़न है अगर आपका, तो आपको उस शेयर में अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, उस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी शेयर को खरीद लेते हैं ना, तो उसका प्राइस नीचे जरूर आता है 1 या 2 बार, तो आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाइए। अब मेरा क्या डिसीजन होगा, इसमें मेरी क्या रणनीति है, मेरी ये सीधा सीधा हिसाब है कि भाई गवर्नमेंट का रोल है इसमें, इस कंपनी में, तो अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इसमें तभी बढ़ाऊंगी जब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हो जाएंगे और उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आने वाली है वो इन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरी बात ये है कि दूसरे केस में मैं अपनी होल्डिंग तब बढ़ाऊंगी जब ये स्टॉक मेरे बाय प्राइस से काफ़ी नीचे लेवल पर आ जाएगा, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करी है और न्यूज़ एनालिसिस करी है, उसके आधार पर तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से 5 या 8 गुना मल्टीप्लाई ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस तो यही कहती है कि मुझे इस स्टॉक में बने रहना है, मेरा विज़न आने वाले 4 या 5 साल के लिए है। तो अब आपका क्या व्यू है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी रणनीति बदल भी सकती है अगर इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी मार्केट में गुड और बैड न्यूज़ आती है, तो क्योंकि मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैं फिर इस स्टॉक की फिर से न्यूज़ एनालिसिस करूँगी, फिर से फंडामेंटल एनालिसिस करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। देखो, अभी हाल ही में ना एक न्यूज़ आई थी जिसमें 17 तारीख के आसपास इस स्टॉक का जो प्राइस है 47 रुपये तक आ गया था, तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट तो आया था, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो घबरा गए थे कि भाई गवर्नमेंट क्यों अपना स्टेक सेल कर रही है। देखो, एक नियम के तहत है, ये कानून है, ये आज नहीं तो कल होना ही था। इसमें सेबी का एक क्राइटेरिया है जिसे बोलते हैं MPS, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। इसमें गवर्नमेंट को अपनी हिस्सेदारी कम करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। 5 साल के अंदर उसका ये होता है कि उसमें आपको 25% पब्लिक फ्लोटिंग छोड़नी ही पड़ेगी, तो इस वजह से गवर्नमेंट
को अपनी कुछ 11% अपनी स्टेक्स को कम करना होगा इस कंपनी में से, तो वो करने जा रही है ये कंपनी। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पेशेंस के साथ इस स्टॉक को होल्ड कीजिए तो आपको ज़रूर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। देखो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं मार्केट में पिछले 11 साल से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और उसी के बेसिस पर मैंने ये अपनी एजुकेशनल वीडियो बनाई है, तो इसको किसी भी तरीके की टारगेट वाली वीडियो या इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, अपनी एनालिसिस ज़रूर करना, अपनी बुद्धि का यूज़ ज़रूर करना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलती हूँ एक नए स्टॉक के साथ, नई एनालिसिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।